जून 2018 पेपर 5 वेरिएंट 1, और ये आपकी जो 2018-22 वाले बुक्स हैं उसमें सबसे पहला पेपर ये है। क्वेश्चन पढ़ें। स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग सीरीज ऑफ मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन एज शोन। स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस एस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सजेस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड लैम्डा इज शोन बाय दिस इक्वेशन एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन एंड एन इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। इस पूरे क्वेश्चन का कभी भी कोई किसी टॉपिक से कोई ताल्लुक कभी भी नहीं होगा, मतलब अभी तो ये डिफ्रेक्शन पर क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर 5 का जो क्वेश्चन आए उसको इस ऐसे टॉपिक से हो जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, इक्वेशन दी भी आपको नीचे। अब इस इक्वेशन को आप नेक्स्ट पार्ट में जहां पर लिखा हुआ है अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस, डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडिएंट एंड वाई इंटरसेप्ट। पहले तो इक्वेशन यहाँ कॉपी कर लें, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। कॉपी करने के बाद हमें वाई एक्सिस पर है हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो हमें 1 अपॉन एस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, सही है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। क्या आप लोग इस इक्वेशन में से 1 अपॉन एस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना सकते हैं? बना लें। मैंने पहले इसको रेसिप्रोकेट किया है, ठीक है। इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करने के बाद एलसीएम को ब्रेक कर दें, करंट वाई अपॉन एक्स में कर दें, करंट वाई अपॉन एक्स में कर दें, ग्रेडिएंट की वैल्यू बराबर किसके वो बताना अभी, एक मिनट तुम अपना वो आंसर भी रखो फिर देखो जो कि लेट करना आंसर में, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दिया, फिर मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ठीक है। एलसीएम को ब्रेक करने के बाद एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, यहां तक पहुंच गए आप सर? अब आपको 1 अपॉन एस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है तो डी स्क्वायर को आप भेज दें राइट साइड पर, ठीक है। अगर डी स्क्वायर राइट साइड पर चला जाता है तो इक्वेशन बनेगी। और अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आप देख सकते हैं y इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 अपॉन एस स्क्वायर, एम इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ x होता है, x हमारे पास क्या है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के साथ आप देखें क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर डी स्क्वायर, और इंटरसेप्ट क्या है इसका, तो ये कंपेयर करने के बाद आप मुझे बताएं यही आंसर आ रहा है ग्रेडियंट का और y इंटरसेप्ट का, तभी समझ रही बात। 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर डी स्क्वायर इज ग्रेडियंट जो कि x के साथ लिखा हुआ था, और y इंटरसेप्ट आपके पास आया है माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर, यहां तक सबने कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट बी में आप देखें लैम्डा आपको गिवन है, पहली वैल्यू बताएं लैम्डा की कितनी है 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 7, आप वैल्यू निकालें 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की और एक्सपोनेंट 12 में निकालें, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर पी फाइव की बुक मिल गई, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5.4 एक्सपोनेंट 12 आ रही है, तो एक्सपोनेंट 12 तो ऊपर लिखा हुआ है, पहली वैल्यू हो गई 5.4, इस तरह से ये पूरा कॉलम कंप्लीट करें हर वैल्यू के लिए,
आई नहीं है पता पढ़ा देंगे फिर नमक की वैल्यूज देखे यही आ रही है 5.4 4.3 3.6 3.0 2.6 2.3 झंडा भी उठा लिया डेटा में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थी तो मैंने आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रखी है वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर तक कर लिया सबने वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर सबका हो गया कंप्लीट वन अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एस आपके पास है 0.62 तो वन अपॉन 0.62 स्क्वायर क्या है आंसर 2.6 आ गया वन अपॉन 0.72 स्क्वायर 1.9 वन अपॉन 0.82 स्क्वायर 1.5 वन अपॉन 0.92 स्क्वायर फिर वन अपॉन 1.02 स्क्वायर 0.96 वन अपॉन 1.10 स्क्वायर 0.82 के बाद क्या है तो 0.83 अब आपके पास नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन वन स्क्वायर वन अपॉन एस स्क्वायर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हम करते क्या है एक्चुअल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू उसकी माइनस कर दें तो वन अपॉन एस स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू है जैसे मैं पहले वाले की कैलकुलेशन आपके साथ कर रहा हूं वन अपॉन एस स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू आपने किस तरह निकाल दी 1/0.62 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है आपने मिनिमम वैल्यू को ना तो मिनिमम वैल्यू देखें एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तो 0.62 की दो वैल्यूज है ना अनसर्टेनिटी के हिसाब से देख रहा हूँ 0.62 की अनसर्टेनिटी है 0.02 इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी 0.60 और 0.64 हम 0.64 लेंगे क्योंकि 1/0.64 के स्क्वायर से छोटी वैल्यू आएगी ठीक है तो आप क्या करें 1/0.62 स्क्वायर की वैल्यू में से माइनस कर दें किसको 1/0.64 स्क्वायर को बताएं क्या आंसर आ रहा है 1/0.64 के स्क्वायर से हाँ ऊपर मैंने शो भी किया वैक्यूम 0.16 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपके पास जो डेटा है ना उसमें अनसर्टेनिटी में एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं 0.16 लिखूं या इसको 0.2 कर दूं ये बात समझ आ गई सेकंड वाले की वर्किंग क्या होगी अनसर्टेनिटी निकालते हुए बताएं 1/1/0.72 स्क्वायर माइनस 1/0.74 स्क्वायर 0.1 ठीक है तीसरे वाले की वर्किंग क्या होगी 1/0.82 स्क्वायर माइनस 1/0.84 स्क्वायर 0.07 एक्चुअल में से मिनिमम को माइनस करना 0.07 आ गया हाँ जुए ठीक है फिर है 1/0.92 स्क्वायर माइनस 1/0.94 स्क्वायर 0.05 उसके बाद है 1/1.02 स्क्वायर माइनस 1/1.04 स्क्वायर
ठीक है 0.037 है तो 0.04 हो जाएगा. फिर 1/1.10 स्क्वायर माइनस 1/1.12 स्क्वायर. जीरो पॉइंट जीरो थ्री आंसर आ गए. ठीक है, इस तरह से आपके पास ये टेबल भी विद द अनसर्टेनिटी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, यहां तक सबने कर लिया. नेक्स्ट पार्ट में हमने इन्हीं वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है. मुझे बताएं एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो आपके पास ये x कॉमा वाई मतलब 5.4.2.6 पहला कोऑर्डिनेट है, प्लॉट कर रहे हैं इसको 5.4.2.6. दूसरा कोऑर्डिनेट बताएं 4.3 1.9. दो पॉइंट्स लग गए. तीसरा पॉइंट बताएं. उदय बुक कहाँ है आपकी? तुम्हारे पास नहीं है? लो जाके नेक्स्ट क्लास अभी लो जाके साथ साथ काम करो. चलो टाइम बचाओ, लोग पैसे बचा रहे. तीसरा पॉइंट बताएं 3.6 1.5. चौथा पॉइंट बताएं 3.01.2. पांचवा पॉइंट 2.6 पे कितना था? 0.96. ये छह पॉइंट्स देखें ग्राफ पे, मैंने भी प्लॉट कर दी. एक मिनट खत्म हो गई. सही है? नहीं, आप पहले बनाएं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. और इसके लिए आपको चाहिए होगा बड़ा स्केल, ये छोटा है. ठीक है, वैसे दो स्केल है मेरे पास, अगर किसको चाहिए तो. सर इधर बड़े स्केल भी रखे हैं जी. ये स्केल ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाए बेस्ट फिट लाइन बना दिए मैंने. सबकी मैंने क्लास में अनाउंस किया था बड़ा स्केल लाने का. नहीं सर, तो फिर हम लेके आ रहे हैं जल्दी आप पीएस. हां, इस लोग के प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बच्ची लाई हुई है, तो उसको कैसे बता दूं? मेजॉरिटी मेरे ख्याल में वो किसी अच्छे कॉलेज से है. हमारा कॉलेज का था, मुझे पता है. बता भी दो मेरे को मेडिकल लाइसेंस और चीज वैसे बात कर. याद कर लिया? अब आपने बनाने एरर बार. यहां तक पहुंच गए सब? कितने लोगों ने कर लिया? लाइन थोड़ी खराब बनी. कोई बात नहीं, कौन सी पहली बताऊंगी. याद कर लिया तुमने? मुझे बताएं पहला जो पॉइंट है 1/s² का, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है? 2.6 में 0.2 की अनसर्टेनिटी है. मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 2.4 से लेकर 2.8 तक इसकी वैल्यू है. ठीक है, तो
अब आप देखें कि हमने ये एरर बार हो गया इसका 2.4 से लेकर 2.8 तक, इसको कहते हैं एरर बार। जो पॉइंट आपने प्लॉट किया था, देखें ये पॉइंट आपने प्लॉट किया था, इस पॉइंट के पॉइंट टू ऊपर पॉइंट टू नीचे तक ये इसकी एरर की रेंज है जो एरर बार बना हुआ। इस तरह से आप हर पॉइंट पे बनाएंगे, पहले पॉइंट पे मैंने बना दिया, दूसरे का एरर कितना है तो ये बना लिया एरर बार 0.9 है, तो ये दूसरा एरर बार बन गया। पॉइंट वन का फर्क था ना सर, ये हर पॉइंट के लिए बनाएंगे, हर पॉइंट के लिए उसकी एरर को देखते हुए ना, अनसर्टेनिटी की वैल्यू को देखते हुए बनाएंगे। ठीक है ठीक, तीसरा ये बन गया। उसके बाद चौथा देन, उसके बाद पांचवा, एंड देन लास्ट, ये छह आपके एरर बार्स बन चुके हैं हर पॉइंट के साथ। याद तक कर लिया सबने? ज्यादा कर लिया सबने? अब हमने बनाना है लाइन ऑफ वर्स्ट फिट, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। बेस्ट फिट तो बना चुके, अब हम वर्स्ट फिट बना रहे हैं। तो बेटा वर्स्ट फिट में देखें, वर्स्ट फिट या तो बनती है स्टीपेस्ट या फिर बनती है शैलोएस्ट। अगर मैं स्टीपेस्ट बना रहा हूं तो देखिएगा, सबसे नीचे वाला जो एरर बार है उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट को अगर मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूं तो देखिएगा ये लाइन, ये स्टीपेस्ट लाइन है या नहीं है? इससे ज्यादा स्टीप नहीं हो सकती। लेकिन उसमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये जो दो एरर बार्स है ना, लाइन इसको नहीं कट कर रही, तो ये हमारी वर्स्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को हम स्टीपेस्ट तो बनाते हैं, लेकिन हमारी दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी एरर बार छुटना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें एरर बार को नहीं छुटने वाली कंडीशन के लिए ये इसको बड़ा बड़ा बना देते हैं, कहते हैं भाई ये सारा एरर बार अब हो गया कंडीशन फुलफिल। तो इस तरह की होशियारी करने की जरूरत नहीं है। एरर बार जो है ना बेटा, वो ये है, सही है? वो क्या है? वो तो सिर्फ एक, मतलब आप ऊपर से लाइन बना रहे हैं। एरर है कहां से कहां तक? एरर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? अगर आप उस लाइन को बनाए भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एरर तो यूं है ना, पॉइंट टू नीचे और पॉइंट टू ऊपर, तो एक्चुअल एरर बार कौन सा है? एक्चुअल एरर बार तो ये है वर्टिकल। तो उस लाइन को लंबा करके कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं हो रही कंडीशन फुलफिल, उस लाइन का कोई ताल्लुक नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम स्टीपेस्ट तो बनाएंगे लाइन, लेकिन मैंने बताया था इतनी स्टीपेस्ट हो कि तमाम एरर बार्स को कट करे। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ लाइन ऑफ वर्स्ट फिट? सर उसके टॉप से उसके बॉटम तक बनाएंगे अपना बनने बना ले आप बनाएंगे उसके बॉटम से इसके टॉप, हाँ इसके टॉप तक सारे कट हो बेहतरीन। तो या तो आप बनाएंगे, या तो आप बनाएंगे टीपेस्ट, या फिर आप बनाएंगे शैलोएस्ट।
अब स्टीपेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाला एरर बार है उसका नीचे वाला पॉइंट और सबसे बड़ा ऊपर वाला जो एरर बार है उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट मिला देते हैं, ये स्टीपेस्ट हो जाएगी। शैलोएस्ट में क्या होगा, तो सबसे ऊपर वाला एरर बार है उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट को सबसे नीचे वाले एरर बार के सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मिला दें। तो लेकिन मैंने बताया जब आप स्टीपेस्ट या शैलोएस्ट लाइन बनाएंगे तो आपकी वो जो लाइन है वो तमाम एरर बार्स को कट करना मस्ट है। यहां तक पहुंच गए सब, यहां तक सबने बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट निकालना है, बेस्ट फिट का भी और वर्स्ट फिट का भी। ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के लिए ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट सिलेक्ट करें लाइन पर, लेकिन वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब नहीं होने चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेपरेटेड होने चाहिए। जो भी दो पॉइंट्स आप सिलेक्ट करेंगे वो लाइन के हाफ से दूर होने चाहिए, करीब करीब नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट ये आ रहा है। आप अपनी मर्जी से अपनी लाइन का जो भी दो पॉइंट्स हैं अपनी बनाई हुई लाइन में से सिलेक्ट करें और बताएं मुझे ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट कितना आ रहा है आपका। ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट निकाल लें तो फिर ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट भी निकालें। याद कर लिया आप लोगों ने, देखें आपके पास ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट भी आ गया, ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट भी आ गया। अब आपने ग्रेडियंट भी निकालना है और ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी, तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट में से ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट को आप माइनस कर लेंगे, मतलब इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो वैल्यू आपकी आ रही है 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 13 और अनसर्टेनिटी इसका डिफरेंस है वो है 0.1 एक्सपोनेंट माइनस 13। तो वैल्यू विद अनसर्टेनिटी हमने यहां लिखी है। अरेंज कर ली सर आप, मतलब कौन सी क्वेश्चन आगे लाइट सर मांग रहे हैं, तो इक्वेशन को करके
पॉइंट कुछ बेसिक बनाएं ठीक है तो सर इसने क्वेश्चन में बेस्ट फिट का रेटिंग कम रेटिंग बेस्ट फिट का गाला उसके बाद क्या लिखा है अनसर्टेनिटी निकाल ही सकता है तो बेस्ट फिट का ग्रेडिएंट नहीं निकाल सकता उसका डिफरेंस होता है अनसर्टेनिटी सर ग्रेडिएंट और बैंड का प्रतीक वजन क्या आ रही थी एक क्वेश्चन कराएंगे एक ही हो सकता है याद कर लिया then next part में लिखा है determine the y intercept of the line of best fit include the absolute uncertainty in your answer तो हम क्या करेंगे y intercept निकालें दोनों का ठीक है y का form y होता है mx plus c मैं best fit में से एक coordinate ले रहा हूँ ठीक है 5.4 exponent 12 और 2.6 अब इसको इक्वेशन में यूज करके ग्रेडिएंट आपको पहले ही पता है सी निकालें थोड़े जज्बाती होगी लिखा हुआ सी कितना आ रहा है सी आ रहा है नेगेटिव में 0.59 ऐसे ही? Yes, sir. ये सेम काम आपने करना है वर्स्ट फिट के साथ वर्स्ट फिट का भी एक कोऑर्डिनेट उठा लें और उससे भी आप निकालें वर्स्ट फिट से निकालेंगे दो दफा निकलेगा वर्स्ट फिट का भी निकलेगा सेम काम वर्स्ट फिट का भी होगा जैसे मैं कर वर्स्ट फिट का पॉइंट है 5.4 एक्सपोनेंट 12 और 2.66 इससे सी की वैल्यू बताएं कितनी आ रही अनसर्टेनिटी इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.59 और 0.58 का डिफरेंस 0.01 वो अनसर्टेनिटी याद कर लिया अब नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है यूजिंग योर आंसर्स टू ए पार्ट सी थ्री सी फोर डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ डी एंड एन ठीक है तो मुझे बताएं डी की वैल्यू यूज निकालने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट यूज कर सकते हैं वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है -1/d² ठीक है तो सी इक्वल्स टू -1/
बी स्क्वायर, ये हमें पता है। वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? सी को कहते हैं। तो मैंने, मुझे पता है वाई इंटरसेप्ट माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं क्या लिख रहा हूं वहां पर, सी मतलब माइनस सी विच इज वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ सी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 0.59 इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डी स्क्वायर की वैल्यू 1.30 आ गई, डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0.59 और डी कितना हो जाएगा 1.30। अच्छा मुझे बताएं y इंटरसेप्ट है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा क्या यूनिट होगा, s वाला जो यूनिट होगा, 1 अपॉन s स्क्वायर का जो यूनिट है, क्या यूनिट है, m माइनस टू, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट का यूनिट 1.30 के साथ हम क्या लिखें, याद रखो मसला, अब हमने निकालना है n, हमें पता है उदय मुझे बताओ ग्रेडियंट किसके बराबर है, 1 अपॉन 4n स्क्वायर d स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं m इक्वल्स टू, m मतलब ग्रेडियंट, 1 अपॉन 4n स्क्वायर d स्क्वायर, तो मुझे बताओ अगर मैं n स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लूं तो इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन 4m मतलब ग्रेडियंट इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4, मुझे कोई बताएगा ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी थी, 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 13, n स्क्वायर n आ रहा है b स्क्वायर एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 5 पांच रियल डी के प्रोसेस के n पर क्या सर आ रहा है 5 एक्सपोनेंट n स्क्वायर का स्क्वायर नहीं 1.50 एक्सपोनेंट 2.11 एक्सपोनेंट 5.5 5 एक्सपोनेंट 5। अब मुझे बताओ उसका यूनिट क्या, ग्रेडियंट का क्या यूनिट है, एम माइनस टू, सॉरी ग्रेडियंट का कोई यूनिट नहीं है, ग्रेडियंट का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि एम माइनस टू और एम माइनस टू ही है ना, वो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है एन का जो यूनिट है वो है 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी का मतलब है मीटर स्क्वायर, सर क्यों ऐसा क्यों हो सकता, एन स्क्वायर है 1 अपॉन 4 एन डी स्क्वायर, 1 अपॉन 4 एन को तो भूल जाओ, उनका तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो एन हो जाएगा 1 अपॉन डी, विच मीन्स जो भी डी का यूनिट है उसका उसको इन्वर्स करोगे तो वह एन का यूनिट बन जाएगा, अब डी का यूनिट आया क्या था, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा m square, इसका इन्वर्स, ठीक है। Determine the percentage uncertainty in n. Percentage uncertainty की equation हमने निकालनी है। सर हमने d में square लिखा। m. d square. एक मिनट, एक और भी चीज है, जो सी का यूनिट था वो क्या था, इंटरसेप्ट का एम माइनस टू,
तो ये वन अपॉन डी स्क्वायर का यूनिट था ना एम माइनस टू, तो डी का क्या होगा एम स्क्वायर, और फिर एन का क्या होगा तो उसका एन माइनस टू हो जाए, तो इसको चेंज करते हैं, इसका हो जाएगा एम स्क्वायर अब आप लोग मुझे बताएं कि इक्वेशन लिखी भी है m is equal to one upon four n square d square, क्या आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनवा सकते हैं डेल्टा n अपॉन n, या मेरे काम करो चलो पहले m ही बना दो, ये चलो इसमें क्या करो n स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी n स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाने के बाद, टू डेल्टा n अपॉन n इक्वल्स टू वन अपॉन फोर तो हट जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस, देखो वन अपॉन डी स्क्वायर जो है ना वो एक्चुअली डेल्टा सी अपॉन सी है, सही है, वन अपॉन डी स्क्वायर की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी किसके बराबर डेल्टा सी अपॉन सी के, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा सी अपॉन सी, अब पूरी इक्वेशन में परसेंट का साइन लगा देंगे, तो मुझे कोई बता सकता है कि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी कितनी आ रही है, याद हो जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे 0.1 अपॉन 5.9 इनटू 100 1.69% प्लस सी की कितनी आ रही है 0.59, इसकी भी यही आएगी 1.69%, और ये टू टाइम्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि n की कितनी आएगी तो आप क्या कहेंगे डिवाइड बाय टू हो जाएगा इसका सम, विच मींस कि यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी 1.7% अनसर्टेनिटी आ रही है n में, 1.69 प्लस 1.69 डिवाइड बाय टू तो वो 1.69 ही आंसर आ जाएगा दोबारा, ठीक है, और 1.69 को अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो 1.7, ठीक है, वैसे कहीं पर भी अनसर्टेनिटी हमारे पास एक से ज्यादा में नहीं थी तो हम इसको भी क्या कर देते हैं 1.7% को भी हम क्या कर देते हैं 2% लिखते हैं, हमने ये सिर्फ राउंड ऑफ किया है हमने टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि कहीं पर भी जो अनसर्टेनिटी हमने निकाली है वो एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आई थी, यस डन, ठीक है, इसका हमेशा जो पेपर पैटर्न होगा वो हमेशा ऐसे ही होगा।